हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं HB13 ड्रॉप के बारे में, जो कि एक प्रकार का आयरन की ड्रॉप होती है और बच्चों के लिए होती है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि उसके यूजर्स के बारे में, डोज के बारे में, प्रिकॉशन के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में और वर्किंग के बारे में, यानी कि किस प्रकार से काम करता है। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, अब जान लेते हैं इसको और किस किस नाम से ले सकते हैं। अगर ये नाम से नहीं मिलता है, यानी कि इसमें फेरोनिया XT है, दूसरा है रूबी रेड के नाम से ले सकते हैं या फिर फेरिकैन के नाम से ले सकते हैं। ये तीनों इसके अल्टरनेटिव ब्रांड नेम हैं। तो अब जान लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी के बारे में HB13 ड्रॉप की। जैसे इसका जो MRP रहता है 60 रुपये रहता है, 30 ml का पैकिंग आता है और जो इसको बनाने वाला कंपनी है HB Lords फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फेरस एस्कॉर्बेट डो की 10 mg रहता है और जो फोलिक एसिड रहता है वो 100 mcg में रहता है। तो गाइस, अब जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। ये एक प्रकार की आयरन की ड्रॉप होती है। ये आयरन की कमी को पूरा करते हुए खून को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये हीमोग्लोबिन की जो समस्या है या फिर उसका जो कमी है उसको पूरा करते हैं। साथ ही खून रिलेटेड जितना भी समस्या है सबको दूर करते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके वर्किंग के बारे में, यानी कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। क्योंकि इसमें रहता है फेरस एस्कॉर्बेट जो कि एक प्रकार के आयरन होते हैं, दूसरा है फोलिक एसिड जो कि एक प्रकार के विटामिन B9 होते हैं। ये दोनों ब्लड के प्रोडक्शन के लिए या फिर ब्लड को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो डोज के बारे में आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों का मामला है। लेकिन जो इसका नॉर्मल डोज है ये KG के हिसाब से चलता है। और कोई बच्चा जो 5 किलो का है उसको आप दिन भर में 10 ड्रॉप दे सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ प्रिकॉशन के बारे में, क्या सावधानी आपको रखना है। इसका डोज है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बच्चों का मामला है। इसके जो डॉक्टर है सजेस्ट किए हैं जितना लेना है उतना ही इसको लेना है। अगर आप कम लेते हैं तो आयरन की जो कमी है पूरी नहीं हो पाएगी, या फिर अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो ओवरडोज हो सकता है। तो इस प्रकार से डोज का भी ध्यान रखना है। तो अब बात करें इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की। इसमें जी मचलाना, उल्टी आना या फिर ब्लैक स्टूल की समस्या होना, इस प्रकार के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, ये था HB13 या फिर आयरन के ड्रॉप के बारे में जानकारी। तब तक के लिए मिलते हैं।